दो तीन बहुत बड़े मुद्दे इस समय देश के सामने हैं। पहला, नीट का एग्जाम जिस तरीके से पेपर लीक हुआ और उसमें लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, वो रद्द होना चाहिए। यूजीसी का एग्जाम आपने रद्द कर दिया, पीजी का एग्जाम, नीट पीजी का एग्जाम आपने रद्द कर दिया। तो जो एनटीए है, जो सीधे सीधे शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, उसने तो जितने एग्जाम कराए हैं पिछले दिनों में, वो पेपर लीक का शिकार हो गए। तो अभी एक इस सरकार के बारे में एक धारणा चल रही है कि ये इंडियन पेपर लीक टीम है, जो मोदी जी की सरकार है उसको लोग कह रहे हैं कि ये इंडियन पेपर लीक टीम है, आईपीएल टीम है ये। तो इनका मजाक उड़ रहा है। और अफसोस की बात यह है कि लाखों छात्र रो रहे हैं, कईयों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई गड़बड़ी हुई नहीं। तो एक तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा, स्पीकर विपक्ष का ही होना चाहिए, तभी तोड़फोड़ बंद होगी, तभी जो बाकी राजनीतिक दल हैं, क्योंकि ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, हम सभी जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी हर घिनौनी साजिश रचेगी अपना बहुमत पूरा करने के लिए, और इसमें जो एनडीए के घटक दल हैं उनके लिए भी खतरा है, और जो इंडिया गठबंधन के दल है उनके लिए भी खतरा है। तो इसलिए एक प्रयास ये भी होना चाहिए कि विपक्ष का स्पीकर बने या एनडीए के किसी घटक दल का, बीजेपी का ना होकर कोई और स्पीकर बने तो शायद अच्छा रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।